हेलो, आज मैं आ गई हूँ श्रीराम मार्केट कोलकाता। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा ऑल इन वन। तो आज मैं आप लोगों को श्रीराम मार्केट में लाई हूँ, जहाँ मैं करवाने वाली हूँ अपने पैरों में नेल एक्सटेंशन। यहाँ मेरा नेल एक्सटेंशन की प्रोसेस जो है वो चालू हो चुकी है। नेल एक्सटेंशन आप लोगों ने बहुत बारी करवाई होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को जहाँ जिस शॉप पर लेकर आई हूँ, इस शॉप की जो खासियत है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है अपने नेल एक्सटेंशन का और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस शॉप पे जहाँ मैं आई हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये शॉप कहाँ पे है श्रीराम मार्केट में। मैं आपको इसका शॉप का एड्रेस एंड फ़ोन नंबर भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप श्रीराम मार्केट में इस शॉप पर जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो के एंड में भी मैं आपको बताऊंगी ये श्रीराम मार्केट में ये वाली शॉप कहाँ पे है जहाँ मैंने नेल एक्सटेंशन करवाया है। और ये नेल एक्सटेंशन आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मेन मोटो ये था कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप लोगों ने नेल एक्सटेंशन बहुत बारी करवाई होगी, लेकिन यहाँ इस शॉप पर इतनी बारीकी के साथ, इतनी प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पर नेल एक्सटेंशन किया जाता है कि आपके नेल एक्सटेंशन जो है वो अप्रॉक्स 2 मंथ तो आराम से रह सकते हैं, आराम से टिक जाता है। बिकॉज मैंने जो करवाया है वो मेरा, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ 2 मंथ के बाद, सिर्फ इसलिए कि मैं इस नेल एक्सटेंशन का रिव्यू आप लोगों को दे पाऊँ कि मेरे नेल एक्सटेंशन जो है पैरों के वो कितने दिन टिके हैं। मेरे इस नेल एक्सटेंशन को आज 2 महीने हो गए हैं और आज 2 महीने भी होने के बाद मेरे एक्सटेंशन बिल्कुल सही सलामत हैं और बहुत ही अच्छे हैं, उसी तरीके से जैसा कि इस भैया ने मेरा करके दिया था। तो आज 2 महीने बाद मेरी सिर्फ़ और सिर्फ एक छोटी उंगली की नेल जो है वो एक्सटेंशन निकल गई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पैरों में जो है चोट लग गई थी, इस कारण से निकल गई। तो आज मेरा फिर भी 2 महीने हो गए और मेरे नेल बिल्कुल अच्छे हैं। अगर चोट नहीं लगती तो मेरी शायद वो भी नेल नहीं निकलता और मैं आप लोगों को और भी बाद में वीडियो बनाती, लेट वीडियो बना के देती मैं पूरे एंड तक, जब तक वो खुद से निकल नहीं जाता। फिर भी 2 महीने काफ़ी है, बहुत ही रिजनेबल रेट में यहाँ पे नेल एक्सटेंशन होता है और 2 महीने टिकना बहुत बड़ी बात होती है। और 2 महीने क्यों टिकता है, इसका भी कारण ये है कि यहाँ पे जो नेल एक्सटेंशन होता है वो बहुत ही बारीकी से काम किया जाता है, बहुत ही सावधानी के साथ करते हैं और एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे देखते हैं और उसके बाद जाके ये नेल एक्सटेंशन करते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे शॉप के स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली और कोऑपरेटिव है। यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सटेंशन करवा सकते हो। यहाँ के एक्सटेंशन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत बारी बहुत जगह पे करी है पर मुझे पर्सनली यहाँ का बहुत अच्छा लगा। और आज मैं 2-3 साल हो गए मुझे यहाँ पे नेल एक्सटेंशन करवाते हुए, मैं रिफिलिंग भी यहीं से करवाती हूँ और एक्सटेंशन भी यहीं से लगवाती हूँ। इसका रीज़न बस यही है कि मुझे इनके काम बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से काम करते हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल नाप तौल के करते हैं, ज़रा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत ही फटाफट यहाँ हो जाता है। यहाँ भैया की शॉप पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इनके स्टाफ भी 3-4 हैं, बट फिर भी भैया बहुत जल्दी कर देते हैं। ये चीज़ मुझे भैया की बहुत अच्छी लगी, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा एक्सटेंशन करके दिया जो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। सो भैया आपके लिए थैंक यू सो मच बंटी भैया। सो सबसे पहले यहाँ मेरे नेल्स को जो है वो क्लीन किए गए, नेल पेंट निकाले गए, नेल्स की घिसाई की गई और उसे इक्वल किया गया ताकि जो एक्सटेंशन है वो इजीली वहाँ पे सेट हो जाए। उसके बाद जो है मेरे पैरों में एक्सटेंशन लगाई गई और अब उस एक्सटेंशन को जो है वो कट करके इक्वली कर रहे हैं। और इनका काम इतना बारीकी से हुआ है, आप खुद देखिए, क्योंकि ये ज़रा सी भी ऊंच नीच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है इनके काम में ये इतने प्यार से दिल लगा के काम करते हैं कि इनके काम देखने बनता है।
इन्होंने बिल्कुल बारीकी से काम किया है मेरे नेल्स पे। मैं इसलिए बारीकी से कह रही हूँ क्योंकि आप खुद देखिए कि जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इस तरीके से बिल्कुल काम कर रहे हैं ये भैया, बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी भी नेल्स में एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर एक पाँव में अगर ये साइज है तो दूसरे पाँव में भी सेम साइज ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ये काम कर रहे हैं। पर्सनली मैंने इस शॉप का बहुत लोगों को रिव्यू दिया है और बहुत सी लड़कियां यहाँ इस शॉप पे गई, अपना नेल एक्सटेंशन करवाया, हाथों में पैरों में रिफिलिंग भी करवाई कई बारी, और वो आकर जब मुझे ये बताई, सेम उन लोगों का भी एक्सपीरियंस रहा, उनके भी नेल एक्सटेंशन जो है वो काफ़ी दिनों तक टिके, काफ़ी दिन नहीं काफ़ी महीनों तक टिके, तो वो बहुत खुश हुई यहाँ एक्सटेंशन करवा के। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया, मुझे अच्छा लगा, और इसके बाद ये इस टाइम जब मैंने अपना एक्सटेंशन करवाया तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोगों को भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होगी किसी अच्छे एक्सटेंशन वालों की। और ये भैया जिनकी ये शॉप है ये बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन करते हैं। यहाँ भैया की शॉप पे समय समय पर ऑफ़र्स भी रखते हैं, ये काफ़ी अच्छे ऑफ़र रहते हैं, रिजनेबल ऑफ़र भी रहते हैं, तो आप उस ऑफ़र का भी फ़ायदा उठा सकते हो और अपना नेल एक्सटेंशन करवा सकते हो। यहाँ शॉप पर एक्सटेंशन करवाने मैं और मेरी सिस्टर गए थे, तो मैं मेरी सिस्टर का भी एक्सटेंशन यहीं से करवाती हूँ और उसे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर एक्सटेंशन करवा कर। अभी रिसेंटली उसने भी अपने हाथों में नेल एक्सटेंशन करवाया है, नेल एक्सटेंशन का ट्रेंड जो है वो मार्केट में बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से फैल गया और आजकल हर कोई नेल एक्सटेंशन करवा रहा है अपने हाथों में अपने पैरों में, क्योंकि हर किसी को ही फैशन में रहना बहुत पसंद है और ये भी एक फैशन का पार्ट है नेल एक्सटेंशन। सो होप कि आप लोग भी ज़रूर नेल एक्सटेंशन करवाएंगे और इस भैया की शॉप से करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे सुंदर नेल, लंबे नेल, उस पर डिज़ाइन किए हुए नेल। तो आप जिस भी तरीके से जैसा भी नेल एक्सटेंशन करवाना चाहते हो, कोई सा भी डिज़ाइन करवाना चाहते हो, आप यहाँ इस शॉप पे विज़िट कीजिए। बहुत अच्छे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे हो जाता है नेल एक्सटेंशन, इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ बार बार, क्योंकि ये भैया बहुत अच्छा नेल एक्सटेंशन करके देते हैं। ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ना ही ये कोलाब वीडियो है और ना ही मैंने कोई कोलाब किया है इस शॉप के साथ। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को पता है जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मुझे जब भी कुछ भी अच्छा लगता है तो मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ, और मैं वो सिर्फ इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिला है, मुझे अच्छी सर्विस मिली है, तो मैं ऑब्वियसली यही चाहती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी मेरे अपने हैं उन्हें भी वही ट्रीटमेंट मिले, उन्हें भी वही अच्छी सर्विस मिले, इसीलिए मैं शेयर करती हूँ। देखिए यहाँ बातों ही बातों में मेरे नेल एक्सटेंशन की आधी प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। नेल को घिसकर क्लीन करना, एक्सटेंशन लगाने के बाद घिसना, जेल लगाने के बाद घिसना, ये चीज़ आप खुद नोटिस करोगे कि दूसरे शॉप पर इतनी बारीकी से काम नहीं होता है, और यही तो इस शॉप की खूबी है। यहाँ मैंने भैया को बताया कि मुझे पैरों में डार्क कलर चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर चाहिए, कुछ ग्लिटरी कर देना, तो बस भैया उसी की प्रोसेस कर रहे हैं।
ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी प्रिंसेस प्रतिभा 112। आई एम श्योर कि आप लोग मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फाइनली अब बारी आ गई नेल पेंट लगाने की, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो प्रॉपर तरीके से लग चुका है और अब जो है फाइनली इसके ऊपर लगा रहे हैं नेल पेंट। तो यहाँ मुझे भैया ने सजेस्ट किया डार्क ब्लू कलर, जिसके ऊपर मल्टी कलर का जो है ग्लिटर बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पे डार्क ब्लू कलर ही अपने पैरों में लगवाया और अब लगवाऊंगी इसके ऊपर ग्लिटर। तो आइए देखते हैं कि इसके ऊपर मल्टी कलर का ग्लिटर जो है वो कैसा लगता है। यहाँ नेल पेंट की डबल कोटिंग लगाई गई है, जिस कारण से जो है डार्क ब्लू कलर बहुत ही शानदार दिख रहा है। ये लग रहा है ग्लिटर, ये मल्टी कलर का ग्लिटर है जो कि अभी कैमरे में दिख नहीं रहा है प्रॉपर मल्टी कलर, बट ये मल्टी कलर का है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ ये मल्टी कलर का जूम करके, और फिर आप मुझे देखना और बताना कि आपको कैसा लगा ये।
दूसरे पैर में भी मेरे ग्लिटर लग गया और ये अब लगा रहे हैं टॉप कोट, जिससे कि और ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा क्लीन दिखेगा मेरे नेल्स और नेल पेंट। इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने हाथों के नेल एक्सटेंशन, जो कि मैंने पैर के नेल एक्सटेंशन के एक दिन बाद करवाया था, वो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी छोटी सी क्लिप, क्योंकि सेम प्रोसेस ही है हाथों के नेल एक्सटेंशन की भी, जो आप लोगों ने मेरे अभी पैरों के नेल एक्सटेंशन की देखी थी, सेम टू सेम वही प्रोसेस है हाथों की भी। कलर चॉइस आपकी होती है, डिज़ाइन आपके होते हैं, प्रोसेस सेम ही रहती है। तो वो छोटा सा एक क्लिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही लाजवाब उन्होंने मेरे एक्सटेंशन किए हैं, इसीलिए मैं शेयर किए बिना नहीं रह पाई, जो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। यहाँ कंप्लीट हो गया मेरे पैरों के नेल एक्सटेंशन और ये देखिए, ये है फाइनल लुक, ये फाइनल लुक है मेरे पैरों के एक्सटेंशन की। देखिए कितने नेचुरल लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरली इन्होंने काम किया है और बिल्कुल नेचुरल दिख रहे हैं मेरे नेल्स। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने एक्सटेंशन करवाया हुआ है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने एक्सटेंशन करवाया है? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पैर इतने हल्के लग रहे हैं, मेरे पैरों में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत हैवी एक्सटेंशन करवाया है। बहुत नेचुरल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मेरे हाथों के नेल एक्सटेंशन की वीडियो। यहाँ ये मेरे नेल थे और ये लग गया है एक्सटेंशन। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को शेयर करना। ये हो गया मेरा नेल एक्सटेंशन कंप्लीट। यहाँ मैंने ब्लैक कलर का नेल पेंट किया है अपने हाथों में और उसके ऊपर मल्टी कलर का ग्लिटर दिया है, जैसा कि मैंने पैरों में किया था। तो ये देखिए मेरा फाइनल लुक हाथों के नेल एक्सटेंशन का। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जैसा कि आपने देखा, मेरा इतना बढ़िया नेल आर्ट हुआ। तो भैया है बंटी भैया, और भैया भैया की शॉप जो है वो श्रीराम मार्केट में है। तो आप लोग आए, यहाँ बहुत अच्छा नेल आर्ट होता है, बहुत अच्छा लगेगा। दुकान का नाम है स्टाइल फिक्स फैमिली सैलून। ये आपका शॉप नंबर 159 है, बेसमेंट में, श्रीराम मार्केट के। आप आइए, यहाँ पर रिजनेबल प्राइस में अच्छा नेल आर्ट हो जा रहा है। बिल्कुल विजिट कीजिए, बहुत अच्छा है। और ये भैया ने मेरा नेल आर्ट करके दिया। मैंने जब भी करवाया, मैं हर बार यहीं से करवाती हूँ। आ जाओ तो जरूर आइए, विजिट कीजिए यहाँ पे और बताइए कि आपको कैसा लगा, मेरे साथ शेयर कीजिए। तो स्क्रीन पर ब्लिंक हो रहा है बंटी भैया का नंबर, तो आप लोग इन्हें कॉल कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए और उसके बाद आप लोग भी अपना नेल एक्सटेंशन करवाइए। श्रीराम मार्केट का एंट्रेंस गेट ये है। श्रीराम मार्केट इज अ शॉपिंग मॉल इन एस्प्लैनेड कोलकाता, नाइस मॉल फॉर लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट्स। दिस इज अ यूनिक मॉल वेयर यू कैन अ पैराडाइज फॉर वुमेन्स। ऑल टाइप ऑफ ट्रेंडिंग क्लोथ्स इज अवेलेबल फॉर यू, मेहंदी, टैटू, नेल आर्ट, मैनी मोर। आई वुड हाईली रिकमेंडेड इफ यू विजिट दिस मॉल, डू विजिट फैशन फेवर फॉर ट्रेंडिंग वेस्टर्न क्लोथ्स एट रिजनेबल रेट, एंड देयर स्टाफ आर ऑल्सो फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। Do visit there to enjoy your shopping. To go to my home, so I meet bye-bye with you guys. Till then, in the next video.